हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अपने अपने घर पे सेफ होंगे। तो मैं अभी उठा हूँ और फ्रेश हो गया हूँ यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अभी तो पहले नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप में से बहुत से लोग हैं जो वीडियो को एंड तक नहीं देखते, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। शुरू में आपका सपोर्ट चाहिए, बस अब बस सपोर्ट की दरख्वास्त है और कुछ नहीं। तो चलिए मिलते हैं सीधे आगे। तो गाइस, अभी हम रेडी हो गए हैं नमाज पढ़ के, आगे सारे काम फटाफट से निपटा के, खाना भी नहीं खाया सॉरी, और अली भी तैयार हो गया है। और हम जा रहे हैं पुष्कर, जहाँ पर वीडियो की शूटिंग हुई है। शायद मे भी अगर वहीं पर हुई है, हम तो राजस्थान में मतलब रेत में जा रहे हैं। एज ऑफ वाटर चोरांटोवल की न्यू वीडियो आई है, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो कैसी लगती है आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए सीधे यहाँ से निकलते हैं पुष्कर के लिए, ताकि लेट बहुत हो रहा है, 2:27, 2:30 बज गए। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो गाइस अभी ये बहुत ज़्यादा अच्छा, तो गाइस बिरयानी हमारी आ गई है और टाइम हो गया है 2:33। यहाँ से जल्दी से फटाफट खा के निकलते हैं, आपको भी हमें दिखाना है कि पुष्कर में पता नहीं क्या क्या है, जाके वहीं जाके पता चलेगा। तो चलिए ओके, ओके बाय बाय। तो गाइस सीन अभी कुछ ऐसा है, हम निकल रहे हैं पुष्कर के लिए, अली अंदर बैठ गया है और चलिए मिलते हैं आगे। तो गाइस आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी अभी हम पुष्कर के लिए निकले थे, आपको मैंने जैसे कि बताया था कि पुष्कर जा रहे हैं हम घूमने के लिए। तो रास्ते में दो ब्लॉगर्स भाई जा रहे थे, तो मैंने देखा मैं शायद बड़े यूट्यूबर ना हो, तो फिर भी हमने आवाज़ दिया तो भाई पता चला। तो ये हैं वो दो यूट्यूबर्स, आपका नाम क्या है? गोलूपाल। गोलूपाल, और आपका नाम भाई क्या? अंकित देवंशी। अंकित देवंशी, ये डेली ब्लॉग्स करते हैं, और क्या क्या करते हो भाई आप? सर हम पूरा भैया पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, तो भाई भाई रॉक कर देना भाई के चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चैनल के नेम बता दीजिए आप अपने। गोलूपाल ब्लॉग्स, और मेरे चैनल का नाम है डेविल ऑन वैकेशन। डेविल ऑन वैकेशन, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दिखाइए थोड़ा। तो चलिए मिलते हैं, जैसे ही हम उतरेंगे आपकी और भी बात कराएंगे। तो ओके बाय बाय, चेक करूँ। तो फाइनली गाइस हम पुष्कर पहुंच चुके हैं, जहां से हमें सवारी मिलती है, कैमल वगैरह थार वगैरह मिलती है, और जहां पर इंडिया का सबसे बड़ा थार डेजर्ट है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिनका ये यहाँ पर जो टूर एंड ट्रेवल का संभालते हैं सारा मैनेजमेंट, वो ये हैं। भाई आपका नाम बता दीजिए। भाई प्यार से राज बोलते हैं, वैसे शैतान गुर्जर नाम है। भाई को प्यार से राज बोलते हैं और नाम है शैतान गुर्जर, आप तो समझ ही गए होंगे। पीछे इनका जो है सारा मैनेजमेंट ऑफिस है, यहीं से सारी जो है डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है, किस तरीके से कहां तक जाना है, क्या घुमाना है। और जो दो भाई मिले थे मैं आपको उनसे मिलाना चाहूँगा। ये है, अब आप इनके फेस क्लियरली देख लीजिए, गड्डी में तो देख नहीं रहे थे। ये है गोलू भाई और वो है अंकित यदुवंशी जी। तो चलिए तो फाइनली गाइस हमने अपनी बग्गी जो है वो बुक कर ली है यहाँ से भाई से, जैसा कि मैंने अभी आपको भाई से मिलवाया था। तो आप इनके पास आइए कभी भी, बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। और बग्गी हमारी जो ये है ये रही, तो चलिए अब मिलते हैं सीधे आगे। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैंने आपको जैसा कि बताया था कैमल राइड में ले रहा हूँ अब, और इन भाई साहब के साथ कैमल राइड ले रहा हूँ। भाई हाय कर दीजिए। तो अभी हम पहाड़ों की वादियों में से निकल रहे हैं कैमल के साथ, कैमल बग्गी पर बैठकर, और हम जा रहे हैं टाइगर रिजॉर्ट के पास, यानी कि जो आप बुक्स वगैरह में देखते हैं और रेगिस्तान देखेंगे उस पर राइड करेंगे। तो चलिए अभी हम राइड का एंजॉय लेते हैं और देखते हैं आसपास हमारे क्या क्या है। और अली अभी भी इंस्टाग्राम पर लाइव है, हमेशा लाइव रहता है, हमेशा लाइव रहता है। देखिए चलते हैं, मिलते हैं आके। तो भाई अब जल्दी से फटाफट खाने के लिए भाई से कुछ ले लेते हैं। तो हाय हेलो भाई, का अभी तो स्टार्ट हुआ है। अरे कुछ है नहीं, इसको क्या खाता है? आ गया आ गया, मेरे करीब ही आ गया। तो गाइस कुछ ऐसा हम बताने वाले हैं इस ऊंट की सवारी के बारे में। तो अली तैयार है? 1 रुक जा 1 2
थ्री यो चुचंदर थारा भाई चुचंदर उठ के इतनी सवारी करेगा, इतनी सवारी करेगा किसी ने सोची ना होगी। हेलो हेलो भाई, हेलो, तुमने मार के रखी है इसकी पूंछ? ये पूंछ से मारता है। अच्छा, मारता, अगर मारता है भाई इसको, इनको मार नहीं खानी तो हमें भी नहीं खानी मार। नहीं खानी भाई, मार किसको खानी है? मार किसी को नहीं खानी है, इसलिए बांध रखी है इसको। चलो भाई चलो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रिजल्ट में जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा करण अर्जुन मूवी ज्यादातर लोगों ने देखी होगी, और जो मेरे बैकग्राउंड में ऊपर जो पहाड़ पे मंदिर है, जो मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये रहा वो मंदिर। ये करण अर्जुन मूवी में जो दिखाया गया था, इस पे टेंपल में जो घंटियां बजती थी, तो जब मेरे बेटे आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, तो वो यही मंदिर है। तो गाइस सीन का भी अभी कुछ ऐसा है, हम अपने ब्रेक पॉइंट पर रुके हैं, भैया को यहाँ रोक दिया है, और आप देख पा रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई है, तो राइडिंग के लिए हम बात कर रहे हैं लोगों से, और यहाँ पर कॉस्ट्यूम वगैरह मिल जाते हैं, महाराणा प्रताप, तीन चार डिज़ाइन है वॉइस के कॉस्ट्यूम के, जो कि यहाँ से आप पहन सकते हो। ज़्यादा इतना वो नहीं, मगर मैं राइडिंग करने की सोच रहा हूँ कि राइडिंग करूँ या कॉस्ट्यूम पहनूँ, तो देखते हैं क्या होगा। अली तो पता नहीं अभी किसी से बात कर रहा है, क्या प्राइस है, किस चीज़ में बात कर रहा है, तो चलिए अली के पास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अली जा रहा है जेट बाइक से राइड लेने, और आ गया बेटा, जूते वूते पहना, अगर मत जाइयो, आराम से जाइयो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम जेट बाइक की राइड लेंगे, तो अली जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ इस बार, क्योंकि मुझे राइड नहीं करनी है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ बेटा। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, अली तो गया डेड बाइक के साथ मस्ती करने, तो मैं आपको यहाँ के कुछ बारे में बताना जा रहा हूँ। और वो बैकग्राउंड में आप मुझे देख रहे हो, वो चोटी पे जो है वो करण अर्जुन मूवी में जो मंदिर दिखाया गया था, तो वही टेंपल है वो। तो बताइए बेटा, यहाँ की कुछ जानकारी दीजिए। यहाँ का जानकारी ये है कि यहाँ पे करण अर्जुन को घोड़े के पीछे घसीट के 25 से 30 साल के पहले यहाँ पे शूटिंग हुई ना, जब यहीं पे मारा था उनको, और एक दियाबाती सीरियल बना था, उसका भी मूवी का शूटिंग पॉइंट ये है। उनके नाम से लस्सी कॉर्नर फेमस है यहाँ पे। लस्सी कॉर्नर कहाँ पर है? उस साइड में है वो, देखो दिख रहा है। अच्छा अच्छा, अभी हम दियाबाती लस्सी कॉर्नर पर जाते हैं, आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस सब कुछ सीन ऐसा है, मैं जा रहा हूँ दियाबाती लस्सी कॉर्नर के पास, देखता हूँ, ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लस्सी पी के देखता हूँ, वरना रात को मेरी फिल्म नहीं बन जाए। चलो चलते हैं। यही वो भैया का दिया और बाती लस्सी कॉर्नर है, जिनसे मैं अभी आपकी बात भी कराऊंगा, तो मिलते हैं भैया के पास सीधे जाके। तो यहाँ ये है दिया बाती लस्सी कॉर्नर, यहाँ पे शूटिंग वगैरह होती थी, तो अभी तक यहाँ पर ओपन है, लस्सी अवेलेबल होगी, तो लस्सी आपको किसी भी मौसम में यहाँ पर मिल सकती है, आप कभी भी किसी भी मौसम में आए तो वहाँ पर आपको लस्सी मिलेगी। हाँ, दियाबाती लस्सी कॉर्नर है, यहीं पर शूटिंग वगैरह जो हुई थी दियाबाती नाटक की, वो यहीं पर हुई थी। तो भाई लस्सी किसी भी मौसम में मिल जाती है ना यहाँ पर, हर माह किसी कभी भी मिल जाती है, तो हम लस्सी पीते हैं, तो भाई लस्सी हमें एक बना दीजिए, फटाक से ठंड में लस्सी पीते हैं, अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो अली है संभालने के लिए, रूम को संभाल लेगा मुझे। ये देखिए लस्सी किस तरीके से बनाते हैं, ये आ गई हमारी लस्सी, और इसमें क्या है, मलाई। भाई जान नया पैकेट खोल रहे हैं मलाई का, पेटीएम फोन पे तो हो जाएंगे ना? हाँ, तो पेटीएम फोन पे अवेलेबल है, क्योंकि कैश में निकाल नहीं पाया था, तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ राजस्थान में, इस बात को लेकर अजमेर में खास करके बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। मेरी बड़ी अम्मी बहुत नाटक देखती थी, यही दिया और बाती, आज उनको घर जाऊँगा तो वीडियो दिखाऊँगा यही वाली का, वो बड़ी अम्मी देखो यहाँ होके आया हूँ तुम्हारी सूरज और संध्या के पास। ये बन गई लस्सी, ये देखिए कितनी प्यारी लस्सी है एकदम। ओ कोई बात नहीं, इतना तो हो जाता है, फटाफट से इसको फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फटाफट से जो है मैंने अपनी लस्सी जो है फिनिश कर दी गाइस, अभी मैं हाथ वगैरह साफ कर लेता हूँ, उसके बाद चलिए मिलता हूँ आपसे। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं ऊँट के ऊपर बैठ चुका हूँ, तो देखिए मैं ऊँट के ऊपर बैठ गया हूँ। तो गाइस राइड अब हमारी स्टार्ट हो गई है, आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं इतना कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ रेगिस्तान की रेत के बारे में लेके, लेकिन मैं आपको ऑब्वियसली बताना चाहूँगा, तो आप कभी भी यहाँ पर आए अगर राइड लें, तो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको मैचअप करना, क्योंकि तो यार कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और ओए कुदा दिया मेरे को। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि ब्लॉग में क्या हो रहा है और कहाँ पर आया हुआ हूँ मैं, तो ये वो जो वही रेगिस्तान है जहाँ पर चूड़ी का बाजार वगैरह यहाँ पर लगाया गया था करण अर्जुन मूवी के टाइम पे,
तो जिस रोड पे मैं अभी चल रहा हूँ वो पत्थर वाला जो रोड था वो भी उसी टाइम पे यहाँ पे बिछाए गए थे पत्थर। और जो ठाकुर दुर्जन सिंह की जो हवेली थी, अगर आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड में कोई जो होटल नाम करके जो लिखा हुआ है वो ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली है। और मैं आपको एक प्रॉपरली बात बताना चाहूँगा, ये जगह अपने आप में कम और मूवी की वजह से ज़्यादा फेमस है। तो प्लीज़ अगर कभी भी यहाँ पर आप विजिट करें तो एग्जैक्ट इसके मेन मेन एरिया में ज़रूर जाएं, और जो जहाँ पर लोग नहीं जाते ज़्यादा वहाँ पर भी जाएं। और ये डेड बाइक का जो चैलेंज वगैरह है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खुद कर सकते हैं, अगर आपको सही तरीके से चलाना आती है तब। तो चलिए मिलते हैं थोड़ा से आगे। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था हम गए थे राइडिंग पे, टाइम हो गया कितना हो रहा है, टाइम 6:56 हो गए हैं, 7 बज गए, इसका मतलब काफ़ी लेट हो गया। अब हमें 8 बजे तो गाड़ी लेनी है, जो हम गाड़ी लेके आए थे वो शायद पता नहीं चला गया या है या नहीं है। तो फिलहाल अब जाके सीधे रूम पे मिलते हैं। तो ओके बाय बाय, चलते हैं अब रूम पे। ओके बाय। तो गाइस अभी सीन कुछ ऐसा है, हम कोई भी चीज़ शूट नहीं कर पाए क्योंकि अली की तबीयत खराब हो गई थी और मैं भी उसी के पास बैठा हुआ था। अली अभी भी 3-4 कंबल उड़ के लेटा हुआ है और रात के बज गए हैं 12। और फिर जब उसकी तबीयत खराब हुई थी, सर वगैरह मालिश करा था, उसी टाइम पे हमने एक प्लान बनाया है एक और ट्रिप का। यहाँ से जाने के बाद हम एक नई ट्रिप पे जाएंगे, तो आशा करता हूँ वो भी वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगी और आशा करता हूँ ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक बेल आइकन प्रेस कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना इन वीडियोज़ को, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यानी आ गई है, अभी खा लेते हैं, फटाफट से खा के मिलते हैं आपसे। ये भी हमें यहाँ से निकलना है पुष्कर।